गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही दिनों में होगा और उसकी तैयारी के लिए जो भव्य यात्रा निकली हुई है और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने सभी वरिष्ठ सहयोगी मंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, संस्कृति मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मेडिकल एजुकेशन और के जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के साथ मिलकर के आप सभी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि इस अवसर पर जो प्रमुख संत यहां पर विराजे हैं, बाबा बच्चन सिंह जी, बाबा तेगा सिंह जी, बाबा राजेंद्र सिंह जी, बाबा अनूप सिंह जी, बाबा मोहन सिंह जी, बाबा बलजीत सिंह जी, बहन इंद्रजीत कौर खालसा जी, बाबा अजायब सिंह जी अभ्यासी, सरदार गुरुबचन सिंह जी मोखा सिख संगत से, बाबा निर्मल सिंह जी, बाबा सरदेव सिंह जी, इन सभी पूज्य संतों के साथ ही मैं इस कीर्तन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी मान्यताओं का अपनी पूरी टीम की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि इस मुख्यमंत्री आवास में आज परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने हम सबको 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के पूर्व इस कीर्तन कार्यक्रम में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा सदैव से मानना रहा है और मैं ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो भी सच्चा भारतीय नागरिक है, उसका यह मानना है कि गुरु परंपरा से जुड़े हुए पर्व और त्यौहार केवल सिख समाज तक सीमित नहीं होने चाहिए, पूरे भारतीय समाज को इन पर्व और त्योहारों को मनाना चाहिए, इनके साथ सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो शक्ति पुंज बनकर के एक तेज इस धर्म और इस देश की रक्षा के लिए उभरा था, वह केवल खालसा पंथ के लिए नहीं, केवल सिख जाति के लिए नहीं, बल्कि इस देश और इस धर्म की रक्षा के लिए था। जिस गुरु परंपरा ने हमें कीर्तन करने, नाम जपने और मिलकर के बांट करके खाने की प्रेरणा देते हुए सकल जगत में खालसा पंथ गाजे जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे का उद्घोष करके एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके मन में कर दिया था। कौन ऐसा भारतीय है जो वास्तव में इस पवित्र गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव न करता हो? एक छोटी सी सूचना पर आपकी उपस्थिति के साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ये सब आपके स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि अंतःकरण का भाव है और गुरु शिष्य की यह परंपरा
ये केवल सिखों के लिए नहीं है, गुरु नानक देव जी के प्रति या फिर उस परंपरा के प्रति प्रत्येक भारतीय उसी प्रकार का भाव रखता है। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर इस मुख्यमंत्री आवास में जब एक कीर्तन का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मनाया जाना चाहिए, पूरी दिव्यता के साथ मनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की है। सभी सरकारें उसमें सहभागी बनेंगे और देश के सबसे बड़े राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर ये गौरव हमको भी प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहां पर हम आज मिल बैठ करके ये कार्यक्रम, कीर्तन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न कर रहे हैं, ऐसे ही गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए उन स्थलों के बारे में, उनके विकास के बारे में पूरा समाज और पूरी सरकार मिलकर के एक कार्य योजना बनाए, उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की योजना। और मैंने इसीलिए पंजाबी अकादमी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग, सूचना विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों से इस बारे में कहा कि वे ठोस कार्य योजना बना करके इस योजना को लागू करना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा है कि 550वां प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम में हम सबको सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह प्रेरणा भी उन्हीं की है कि उन्हीं की प्रेरणा से इस 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हम गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए उन स्थलों के बारे में सोचें जो उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े हैं, उनका विकास कैसे हो, वहां पर आने वाले श्रद्धालु जनों की बुनियादी सुविधाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जो एक परंपरा अनुभव करिए इस बात को, आज से 550 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी, तब साधन नहीं थे, तब वाहन नहीं थे। आज हम लोगों को उन सभी पवित्र स्थलों पर जाने के लिए तमाम प्रकार से हम लोग आलस करते हैं, लेकिन याद करिए गुरु नानक देव जी के समय साधन वाहन नहीं थे, उस समय संचार के भी इतने अच्छे माध्यम, कुछ भी माध्यम नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहां कहां तक की यात्रा की, पूरे भारत का तो भ्रमण किया ही, बृहत्तर भारत में भी भ्रमण किया और बृहत्तर भारत से बाहर भी जाकर के मक्का मदीना तक जाकर के वहां पर भी उन्होंने वहां पर लोगों की आंखों को खोलने वाले चमत्कार करके दिखाए। ये चमत्कार उनके जीवन का हिस्सा नहीं था, लेकिन हां जिन लोगों को उनकी आध्यात्मिक ताकत का अनुभव नहीं था, वे बरबस स्वयं उनके संपर्क में आकर के उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते थे। अचानक नहीं, एक आध्यात्मिक दृष्टि से पहुंचा हुआ इतना महान संत, जिनके चमत्कार से बृहत्तर भारत प्रभावित था, उनका अनुयायी था, लेकिन जब बाबर के अत्याचार से पूरी धरती थरथरा रही थी, कांप रही थी, तो बाबर के उन बर्बर अत्याचारों का डटकर विरोध करने में भी कोई संकोच गुरु नानक देव जी के द्वारा नहीं किया गया। यही भक्ति है, यही तो भक्ति है जो लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा तो देगी ही, लेकिन सन्मार्ग पर चलने के साथ साथ जब कभी धर्म पर आंच आएगी तो सत्य का संधान करने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। और मुझे लगता है पूरी सिख परंपरा, जो गुरु परंपरा है हमारी, ये गुरु परंपरा उसका साक्षात उदाहरण है। दुनिया में अन्यत्र इस प्रकार की परंपरा देखने को नहीं मिलती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय गुरु गोविंद सिंह जी तक आते आते इस रूप में देखने को मिली कि देखते ही देखते भारत जो एक बार लगता था कि लगता है अब कभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, लगता है कभी यह देश
आजादी का स्वाद नहीं चख पाएगा, धर्म नहीं बच पाएगा। जिन लोगों ने संकल्प किया था कि हम जनियों तोड़ करके, धर्मस्थलों को तोड़ करके भारत की पूरी परंपरा को नष्ट कर देंगे, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ था तो सिख कौम खड़ी हुई थी, खालसा पंथ खड़ा हुआ था। खड़ा हुआ था उसके खिलाफ। और आज पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा का ही परिणाम है कि देश और दुनिया के अंदर कोई भी सिख कभी झुकता नहीं है, पूरी मजबूती के साथ अपना कार्य करता है, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपना पसीना बहा करके सम्मान अर्जित करता है। पंजाब में इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का हो, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के विकास करने का हो, या औद्योगिक विकास का हो, यानी जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, भक्ति का हो, शक्ति का हो, पुरुषार्थ का हो या परिश्रम का हो, जहां पर इन पूज्य संतों और गुरु कृपा का परिणाम है कि आज कोई भी सिख कभी भी इस परिश्रम से और पुरुषार्थ से पीछे नहीं भागा। ये भक्ति का परिणाम है, वो आध्यात्मिक चमत्कार है जो निरंतर हम सबको जूझने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। कीर्तन में भी आज भी वो परंपरा 500 550 वर्षों के बाद भी अनवरत उसी रूप में चल रही है। कीर्तन का कार्यक्रम आज यहां पर भी हो रहा है, ये यात्राएं निरंतर चलेंगे और इतनी भव्यता के साथ हमें इन आयोजनों को करना है। ये ताकत केवल देश के 2 करोड़ 2.5 करोड़ सिक्कों का नहीं, भारत की 130 करोड़ की आबादी की ताकत बननी चाहिए। और 130 करोड़ की आबादी को लेकर के, क्योंकि गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी मानवता का संदेश है, पूरा भारत का संदेश है मानवता के लिए। कौन ऐसा समाज होगा जो समाज अगर वह भटका है, भौतिकता में शांति की उम्मीद बहुत मत करिए, स्वार्थ की उम्मीद भी बहुत मत करिए, उम्मीदें कहां से निकलेंगे? कीर्तन में, नाम जप में, आपस में मिल बांट करके खाने में। आज से 550 वर्ष पहले गुरु महाराज ये आदेश कर गए, इस प्रकार का हमें संदेश दे गए। और जब 550 वर्षों के संपूर्ण इतिहास को हम पढ़ते हैं, न जाने किन किन झंझावतों से जूझते हुए भी आज जब सिख कौम पूरी खुशहाली के साथ, कुछ मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर अपना परचम लहराती है, तो सचमुच इसके पीछे गुरु कृपा का ही एक प्रसाद है। और मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सरकारें हमारी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारी सरकार भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पास जब सरदार इकबाल सिंह जी आए थे गोरखपुर से, सरदार जगनैन सिंह नीटो और ये लोग आए थे, तो मैंने अपने सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी से भी इस बात को कहा। मैंने कभी इन लोगों के साथ बैठ करके एक अच्छी कार्य योजना बनवाई है, उस महापुरुष के व्यक्तित्व के अनुरूप ही कार्यक्रम भी होने चाहिए, अच्छे कार्यक्रम हो। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम छोटे 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 100 कार्यक्रम कर लें, हम 10 ही कार्यक्रम करें लेकिन प्रभावशाली कार्यक्रम करें, संदेश देने वाले कार्यक्रम करें, देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले कार्यक्रम करें,
और उन कार्यक्रमों में गुरु नानक देव जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के साथ अगर हम जुड़ जाएं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगा गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल से जुड़े हुए इन सभी महानुभावों को, जिन्होंने इससे इस प्रकाश पर प्रकाश पर्व के पूर्व प्रत्येक विद्यालय में कुछ कार्यक्रम रखने की एक व्यवस्था बनाई है। उसकी पूरी कार्य योजना हमें देंगे, प्रदेश सरकार भी उसमें सहयोग करेगी। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जानकारी होनी चाहिए सिख परंपरा के बारे में, समाज को जानकारी दी जानी चाहिए, हर एक को जानकारी दी जानी चाहिए। देश धर्म इसलिए सुरक्षित है क्योंकि गुरु परंपरा ने अपना त्याग और अपना बलिदान दिया, ये बताए जाने की आवश्यकता है। ये पहचान त्याग और बलिदान की पहचान है, ये पहचान इस देश और इस धर्म को सुरक्षित करने वाली पहचान है, और इस पहचान के बारे में जानकारी वर्तमान की पीढ़ी को प्राप्त होना चाहिए। इससे संबंधित साहित्य का प्रकाशन होना, उसको स्कूल स्कूल में बांट करके फिर उसमें प्रतियोगिताओं का होना, एक बहुत बड़ा कार्य है। और गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल के द्वारा जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, हमें इसे हर स्कूल तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हर संस्था तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन वर्तमान संसाधनों का उपयोग करते हुए सिख परंपरा के बारे में प्रत्येक बालक बालिका को अवगत कराएं, और उनका जो महान योगदान है देश और धर्म की रक्षा के लिए, इसके बारे में हमें सबको अवगत कराना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम इस आयोजन को मुख्यमंत्री आवास में कीर्तन के रूप में रखने के लिए इस पूरी मंडली को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये कार्यक्रम आप लोगों ने यहां पे रखा है, और पूरे प्रदेश से आप सभी प्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित भी हुए। बरसात चल रही है और उस सब के बावजूद आप आए हैं। यद्यपि सिख के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है, 1,25,000 से एक लड़ाऊ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं। और मैं देखता हूं आज हमारे यहां देश की सिख रेजिमेंट भी किस बहादुरी के साथ लड़ती है दुश्मनों से। मैं बीच में एक अपने आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी की एक वक्तव्य को सुन रहा था, एक सिख अधिकारी बोल रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर से जुड़े हुए उन माओ को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अपने पुत्रों से कह दो कि हथियार रख दो, और हथियार नहीं रखोगे तो हथियार रखना सिखा देंगे। मुझे लगता है कि ये बात कोई सिख अधिकारी ही बोल सकता है, और जिस मजबूती के साथ बोल रहा है, ये देश के प्रति गुरु परंपरा के संस्कार को प्रदर्शित करता है। जो संस्कार हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिए थे, चार चार पुत्र जिंदे चुने जा रहे हैं, बलिदान किए जा रहे हैं, और उफ नहीं, ये उस महान परंपरा के आप सब वर्तमान वंशज हैं। हमें उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और इसलिए इस पूरे इतिहास को छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, और जो मैं देख रहा था यहां पर बाल विरसा के नाम पर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल ने तो बहुत अच्छी पुस्तिका निकाली भी है, इसको हर बच्चे तक पहुंचाना चाहिए, हर बालक तक पहुंचाना चाहिए। पूरे सिख इतिहास को एक एक बच्चे को हृदयगम कराया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे वह इन कार्यक्रमों में स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भागीदार बन सके, बुलाना ना पड़े, वो स्वयं जाए। और मुझे प्रसन्नता है आज हमारे मंत्रीगण इतनी बड़ी संख्या में
ये सभी लोग स्वतः स्फूर्त भाव के साथ कार्यक्रम में भागीदार बने। पहले तो ये था कि मैं और बलदेव सिंह ओलख जी इस कार्यक्रम में रहेंगे, लेकिन रात्रि में जिस भी मंत्री को जानकारी मिली कि कार्यक्रम है, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहेंगे। हमने कहा भी ये तो सबका कार्यक्रम है, गुरु महाराज का दरबार लगना है और जो भी आ सकता है वो पुण्य का भागीदार बन जाएगा। और मुझे लगता है आप देख रहे होंगे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण यहां कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। ये अंतःकरण का वो भाव है जो कभी हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ इस इतिहास को प्रत्येक बालक बालिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी होनी चाहिए। और मैं अपील करूंगा इस कार्यक्रम में हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। मैं एक बार पुनः गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के लिए जो वर्तमान में अभियान चल रहा है, इस पूरे अभियान के साथ प्रदेश सरकार पंजाबी अकेडमी के माध्यम से, संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से, सूचना विभाग की ओर से, और भी जितने हमारे संबंधित विभाग होंगे, ये सभी संबंधित विभाग इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। पूरी भव्यता के साथ एक आयोजन होने चाहिए। कहीं भी आप लोगों को कुछ लगता है, आप सरदार बलदेव सिंह ओलख को या सरदार इकबाल सिंह जी को, सरदार जगनैन सिंह नीटू जी को, या फिर यहाँ पर हमारी पंजाबी अकादमी और अन्य जो संस्थान है, इन सब के साथ आप लोग अपना कोऑर्डिनेशन बना करके पूरी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आप लोग आयोजित करें, संपन्न करें। सरकार हो, मैं हूं, मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश खन्ना जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी या आशुतोष टंडन जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जितने भी हैं सभी लोग किसी न किसी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आपके इन सभी आयोजनों में शामिल होंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम हम नहीं चाहते कि लोग ये माने कि केवल सिखों का कार्यक्रम है। अरे गुरु महाराज तो सबके हैं, उनका संदेश हम सबके लिए है, उनका आशीर्वाद है और उस परंपरा का आशीर्वाद है कि आज हम स्वतंत्रता का भोग कर रहे हैं, ये देश और ये धर्म आज सुरक्षित है, ये कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक अवसर हम सबके सामने है। जब हम 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से उन महापुरुषों के प्रति नमन करते हुए उनके उपदेशों का अनुसरण कर सके, उससे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर सके, और इसके लिए सरकार आप सबको भरपूर सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का, जो हमारे यहां पर पूज्य संतगण आए हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए, संस्थाओं से जुड़े हुए, राष्ट्रीय शिक्षक संगत से जुड़े हुए और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से भी जो सिख प्रतिनिधि आए हैं, ये कार्यक्रम एक संक्षिप्त कार्यक्रम था, एक शुरुआत कार्यक्रम था। अभी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, प्रदेश से अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में आने की तैयारी उसमें होगी। और मैं उस दिश से एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को कोटि कोटि नमन करता हूं, कीर्तन करने वाले अपने सभी संतों को, सभी महानुभावों का, पूज्य संतों का और आप सभी सिख प्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के 550वें प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित करेंगे और हम सब मिलकर के इस आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार क्षण बन सके। इस दिश से एक बार पुनः अपने पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ फिर बोलेंगे वाहे गुरु जी का खालसा।